अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रोहित वेमुला के परिवार का बड़ा फैसला, जाति को लेकर भेदभाव के खिलाफ छोड़ दिया हिंदू धर्म। रोहित वेमुला की मां और भाई ने ली बौद्ध धर्म की दीक्षा, प्रकाश अंबेडकर ने कहा रोहित वेमुला अपनी जिंदगी में खुद भी बौद्ध मत का था अनुयायी। अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सियासी निशाना, कांग्रेस पर साजिश का आरोप, वेमुला की अंबेडकर से तुलना को बताया गलत। मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर बरसी मायावती, दो साल में दलितों के लिए कोई काम नहीं, नहीं चलेगी बीजेपी की नाटकबाजी। अंबेडकर जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत, 24 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के महू से पीएम करेंगे योजना की शुरुआत, पंचायती राज और ग्रामीण योजनाओं को मजबूत बनाने का लक्ष्य। 21 से 24 अप्रैल तक देश भर में ग्राम सभाओं की होगी बैठकें, सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों में ग्राम सभा की बैठक में लेंगे हिस्सा। 17 से 20 अप्रैल तक सभी पंचायतों में किसान सभा का आयोजन, किसानों को फसल बीमा योजना और दूसरे स्कीम्स की दी जाएगी जानकारी। 19 अप्रैल को विजयवाड़ा में पंचायत और जनजातीय महिला सरपंचों की राष्ट्रीय बैठक, 10 राज्यों से आई महिलाएं लेंगी हिस्सा। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए गांव में विशेष अभियान, बाबा साहब अंबेडकर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 24 अप्रैल को पंचायती राज के दिन अभियान का होगा समापन, प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर से देश भर की पंचायतों को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नहीं चलाया जाएगा अभियान, चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। आज दिल्ली में ई मंडी योजना को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, देश की 585 मंडियों को आपस में जोड़ा जाएगा। अंबेडकर जयंती पर रामविलास पासवान का बयान, दलितों के लिए जी जान से काम कर रही है मोदी सरकार। नागपुर में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के काफिले को रोकने की कोशिश, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से भेजी गई चादर, सचिन पायलट ने पढ़ा सोनिया गांधी का संदेश। दिल्ली में कल से फिर शुरू होगा ऑड इवन फॉर्मूला, 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नियम। पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी कृपाल सिंह का परिवार लगा रहा है इंसाफ की गुहार, दरबीर कौर के साथ दिल्ली के सीएम से की मुलाकात। हंदवाड़ा की घटना पर घाटी में आज भी विरोध जारी, अलगाववादियों ने किया है बंद का ऐलान। तनाव को देखते हुए आज भी घाटी के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद, सुरक्षा बलों की तैनाती। पाक अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ उठी आवाज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। स्थानीय नौजवान के मुताबिक नौकरियों में पाकिस्तानी छात्रों को ही मिलता है मौका, कश्मीरियों के साथ भेदभाव का आरोप। पाकिस्तान विरोध पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, पाक अधिकृत कश्मीर में कोई मानवाधिकार नहीं। कोल्हापुर में तृप्ति देसाई की पिटाई के मामले की होगी जांच, जिलाधिकारी और एसपी का बयान। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने पहुंची थी भूमाता, ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई साड़ी में नहीं होने की वजह से विरोध। हमले को लेकर तृप्ति देसाई ने कहा धारा 144 के बावजूद वहां 400 से 500 लोग विरोध के लिए जमा थे, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मणिपुर के तमेंगलोंग में स्पेशल फोर्सेस का मेजर शहीद, आतंकी संगठन एनएससीएन के साथ मुठभेड़ में शहादत। उग्रवादियों ने असम राइफल के कैंप्स को बनाया निशाना, आईईडी ब्लास्ट में एक जवान की मौत, 5 घायल। इस्लामिक स्टेट के बांग्लादेश सरगना ने किया खतरनाक साजिश का खुलासा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पर दोहरे हमले की तैयारी। बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार घुसने का भी प्लान, भारत में जिहाद छेड़ने का किया खुला ऐलान। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में टीएमसी उम्मीदवार पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में आतंक मचाने वाला तेंदुआ आखिरकार आया वन विभाग की पकड़ में, 3 दिन से चल रही थी तलाश। ट्रैंकलाइजर की मदद से पकड़ा गया तेंदुआ, तलाशी के लिए ली गई थी सेना की मदद। आज भी तेंदुए ने वन विभाग की एक टीम पर किया था हमला, आरपी सिंह नाम के कर्मचारी हमले में जख्मी। एक दिन पहले भी सीसीटीवी में कैद हुआ था तेंदुए का वीडियो, निर्माणाधीन इमारत से निकलकर मारा था झपट्टा। पहले भी तेंदुए ने बनाया कुछ लोगों को निशाना, अस्पताल के वार्ड में घुसकर मचाई थी अफरा तफरी। विकास का मॉडल माने जाने वाले गुजरात में अहमदाबाद में पानी के लिए तरसे लोग, 5 दिन में एक बार आता है पानी का टैंकर। गुजरात के सुंदरनगर में भी पानी की जबरदस्त किल्लत, हर दिन 4 से 5 किलोमीटर तय करना होता है सफर। लातूर में पंचायत की तरफ से घरों में दिया जा रहा है पानी, एक घर में एक दिन में 40 मीटर पानी का कोटा।
यूपी का कानपुर शहर भी पानी संकट से बेहाल, कई इलाकों में सप्लाई नहीं। बिहार के सासाराम में सूख गए हैं हैंडपंप, टैंकर वाले पानी के लिए लगती है लंबी लाइन। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी जमकर हुआ हंगामा, महिलाओं के एक संगठन ने की गर्भगृह में घुसने की कोशिश। शनिवार को भी मंदिर के गर्भगृह में घुसने की हुई थी कोशिश, मंदिर ट्रस्ट के समझाने के बाद लौटी थी महिलाएं। 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में नहीं होंगे आईपीएल के मैच, महाराष्ट्र में सूखे के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। फाइनल समेत 13 मैच अब महाराष्ट्र के बाहर आयोजित होंगे, मुंबई, नागपुर और पुणे में होने थे मैच। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर, मोतीबाग फ्लाईओवर पर ट्रॉली ने स्कूटर को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत, दूसरा शख्स घायल। लखनऊ में बुधवार शाम एक वकील की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। ओडिशा के कालाहांडी में एक किसान की खुदकुशी पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। आगरा में पेंशन को लेकर बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांगों का डीएम आवास पर प्रदर्शन, एनजी रोड पर लगाया जाम। भोपाल में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मंचले की पिटाई, आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई। शिरडी में नाबालिग लड़की से रेप, पड़ोस में रहने वाले युवक ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मथुरा में पिकअप वैन और ट्रक में टक्कर, हादसे में 3 की मौके पर मौत। दिल्ली के नजदीक नोएडा के सेक्टर 11 में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। अमृतसर में लुटेरों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार, 6 लाख की चोरी के सामान के साथ 8 बाइक भी बरामद। रोहतक में एक बैंक से दिन दहाड़े 12 लाख की लूट, 2 ग्राहकों से मोबाइल भी लूटे, बाइक पर आए थे लुटेरे। यूपी के शाहजहांपुर में साधु की पिटाई, जमीनी विवाद के चलते गुंडों ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड के बोकारो में आग का तांडव, जलकर खाक हुए 8 घर, लाखों की संपत्ति का नुकसान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जूट मिल में भीषण आग, घंटों तक मशक्कत करती रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अलवर में एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप, प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। यूपी के बांदा में सरकारी कर्मचारी ने की खुदकुशी, 2 साल से वेतन नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन का करा रहा था इलाज। बैसाखीपुर अमृतसर में हादसा, नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत, 3 का अब तक नहीं चला पता। कपूरथला से 2 दिन पहले लापता हुए 9वीं कक्षा के छात्र जसकीरत का शव तरन तारण से बरामद, बोरे में मिली लाश। ग्वालियर में वाहन चोरों का आतंक, चोरी में नाकाम रहने पर वाहन मालिक की पिटाई करते फरार हुए, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के फिरोजाबाद में भाभी के साथ मंदिर गई 2 छात्राएं लापता, घर वालों को अपहरण का शक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आईटीआई कॉलेज में मंचले टीचर की छात्राओं ने की पिटाई, बाद में थाने ले जाया गया। दिल्ली के एम्स में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा, सेंट्रिंग टूटने से 3 मजदूर दबे, 1 की हालत गंभीर। यूपी के मैनपुरी में गड्ढे में गिरी सवारियों से भरी प्राइवेट बस, हादसे में 20 मुसाफिर घायल। दूसरे दिन भी पकड़ में नहीं आया मेरठ छावनी में घुसा तेंदुआ, पकड़ में आया, अब तक कई लोगों को कर चुका है घायल। मंगलवार सुबह मेरठ छावनी में देखा गया था तेंदुआ, सर्च ऑपरेशन चलाने वाली सेना और वन विभाग की टीम ने कई लोगों को किया जख्म। 3 दिन तक मेरठ में रहा तेंदुए का खौफ, शहर के स्कूल बंद करने पड़े, घरों में कैद रहे आर्मी इलाके में रहने वाले परिवार। आज है नवरात्र महाअष्टमी, मां के 8वें रूप महागौरी की हो रही है पूजा। इलाहाबाद में भी महाअष्टमी की पूजा, मंदिरों में हो रही है महाआरती। वाराणसी में भी नवरात्र की अष्टमी की रौनक, दर्शन के लिए जुट रहे हैं भक्त। बीती रात वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं का नृत्य, नवरात्र की सप्तमी की रात बाबा का आशीर्वाद लेने की परंपरा। हरिद्वार में आज अर्धकुंभ का भी स्नान, श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। फिल्म फैन का प्रमोशन करने लंदन के मैडम टुसैड म्यूजियम पहुंचे शाहरुख, पहली बार शाहरुख के मोम के पुतले की बदली गई ड्रेस। शाहरुख ने कहा, भारतीय सिनेमा तेजी से विकसित हो रहा है, हर मूवी के लिए डांस और गाना जरूरी नहीं। पटना साहिब महोत्सव में पहुंचे दलेर मेहंदी ने अपने सुरों से बांधा समा, दलेर के गानों पर जमकर झूमे पटना वासी।
बैसाखी पर पंजाब में दिखा गजब का उत्साह। अमृतसर में हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पत्नी केट मिडलटन के साथ काजीरंगा पार्क पहुंचे प्रिंस विलियम ने की खूब मस्ती। गैंडे के बच्चे को दूध पिलाते दिखे शाही दंपति। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की पहली जीत। ईडन गार्डन में हुए मुकाबले में कोलकाता को 6 विकेट से दी मात। कोलकाता ने मुंबई के सामने जीत के लिए रखा था 188 रन का लक्ष्य। 5 गेंद रहते हुए मुंबई ने जीता मैच। मुंबई की जीत में हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा। 54 गेंदों पर 84 रन बनाकर नाबाद रहे। बटलर ने तूफानी 41 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए सबसे ज्यादा 64 रन। मनीष पांडे ने खेली 52 रन की पारी। आज गुजरात लायंस का अपने घर में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से मुकाबला। राजकोट में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर भारी जाम, स्कूलों में ताला। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल को लेकर बहस के दौरान इराकी संसद में हंगामा। सांसदों की आपस में भिड़ंत। एरिजोना में कार में ईंधन खत्म होने के बाद 9 दिन तक जंगल में फंसी रही 72 साल की बुजुर्ग महिला। जंगली घास और कछुए खाकर जिंदा रही। बाल्टिक सागर में अपने मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ऊपर से गुजर रहे रूसी विमानों से चिंतित अमेरिका। रूस से जताई नाराजगी। न्यूयॉर्क में साइमन बॉलिवर को गिफ्ट किया गया पिस्तौल नीलाम। $18 लाख में बिका। नेपोलियन के लिए गन बनाने वाले निकोलस नोयल बाउटिट ने बनाया था। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से द शो इज परफेक्टली फाइन, इट्स हेल्दी, इट्स नॉर्मल एंड इट्स कूल लाइक ऑलवेज। लिटिल बेबी कॉल्ड द आईफोन एसई हैज अराइव्ड इन इंडिया एंड वी गॉट आवर हैंड्स ऑन इट। वी हैव टोल्ड यू अ लॉट अबाउट द फोन, रीजंस टू बाय इट एंड